हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सिक्स क्लास की हिंदी की बुक, उसका पहला चैप्टर यानी पहला पार्ट प्रार्थना, जो कि एक कविता है और ये सेकंड लैंग्वेज में से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कविता का पाठ अभ्यास। पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें, जैसे बच्चे बच्चे, आगे आगे, दुख दुख, पीछे पीछे, आज्ञा आज्ञा, खुशहाली खुशहाली, गुरु गुरु, कीर्ति कीर्ति। दूसरा, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें, जैसे नासमझ नादान, मित्र सखा, सदा हमेशा, बड़ाई कीर्ति, बलिहारी जाना यानी बलि बलि जाएं, शोभा शान, चहुं पासे मतलब चहु और चारों ओर। आगे है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। क, बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? उत्तर, बच्चों ने भगवान से अपने माता पिता तथा भाई बंधु और सखा के संबंध जोड़े हैं। ख, बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। ग, बच्चे कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं? उत्तर, सबका भला करना, सबके दुख दूर करना, माता पिता तथा गुरु का आदर करना जैसे अच्छे गुण बच्चे अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। घ, बच्चे पढ़ लिखकर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे पढ़ लिखकर अपने देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। आगे, बच्चे देश की कैसे भविष्य की कामना करते हैं? उत्तर, बच्चे देश के लिए एक सुंदर भविष्य की कामना करते हुए कहते हैं कि हमारे देश में चारों ओर हरियाली हो, हर घर में खुशहाली और हमारा देश आगे ही आगे बढ़ता जाए। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन या चार वाक्यों में लिखें। क, बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? उत्तर, दीन दुखियों से प्रेम करते हुए, उनके दुखों कष्टों को दूर करते हुए और उनका भला करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए बच्चे उनकी सहायता कर सकते हैं। ख, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं से कवि का क्या आशय है? उत्तर, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं से कवि का अभिप्राय है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए यदि उसकी रक्षा की खातिर हमें अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो हम बलिदान देंगे। ग, होकर बड़े हम कीर्ति पाएं से बच्चों का क्या आशय है? उत्तर, होकर बड़े हम कीर्ति पाए से बच्चों का अभिप्राय है कि हम बड़े होकर अपने अच्छे कार्यों से लोगों में यश प्राप्त करें, लोगों में हमारा मान सम्मान हो, हमारी इज्जत बढ़े। आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कविता से देखकर पूरा करें, जैसे क, तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। ख, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, तीन दुखियों को सदा बचाएं। ग, पढ़े लिखे हम खेले खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। ऊपर लिखित काव्य पंक्तियों में माता पिता, भाई बंधु, देश प्रेम, तीन दुखी, पढ़े लिखे शब्द ह्यूमन जोड़े के रूप में प्रयोग हुए हैं। इन शब्द ह्यूमों को उदाहरण के अनुसार लिखें, जैसे माता पिता को हम लिख सकते हैं माता और पिता, वैसे ही
भाई बंधु को लिख सकते हैं भाई और बंधु, देश प्रेम को लिखा जा सकता है देश और प्रेम, दीन दुखी को लिख सकते हैं दीन और दुखी, पढ़े लिखे को पढ़े और लिखे। आगे बहुवचन बनाए यानी एक से बहुत ज्यादा, जैसे कदम से कदमों, दुखी से दुखियों, घर से घरों, प्राण से प्राणों, भाई से भाइयों बन जाएगा। आगे सातवां है सम्मान, तुक वाले शब्द ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लिखे, जैसे भगवान नादान वैसे माने जाने, चाहे आहे हरियाली खुशहाली, लड़ाई बुराई जाए उसका हो जाएगा पाए। आगे आठवां, भलाई में मूल शब्द भला है, इसी प्रकार मूल शब्द अलग करें, जैसे यहाँ पर शब्द जो है मूल अलग करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है दुखी का दुख, हरियाली का हरा, लड़ाई का लड़, खुशहाली का खुशहाल, बुराई का बुरा, आहे का आह। नौवा प्रश्न है वाक्य बनाओ, प्रेम आहे बुराई शान खुशहाली, प्रेम हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, आहे हम दीन दुखियों की आहे मिटाएंगे, आगे बुराई हमें बुराई से दूर रहना चाहिए, शान हम बच्चे देश की शान है, खुशहाली सब घरों में खुशहाली हो। आगे ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रभु परमपिता सब इसी के नाम है। नीचे लिखे शब्दों के लिए अन्य क्या-क्या नाम हो सकते हैं सोच कर लिखो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है माता के लिए जननी माँ या मातृ, पिता का जनक पितृ बाप, भाई का हो सकता है सहोदर भ्रातृ या बंधु, सखा मित्र दोस्त या यार, दुख का कष्ट विपदा या पीड़ा, गुरु के लिए हम यूज कर सकते हैं शिक्षक ज्ञानदाता या अध्यापक। गैरवा सोचिए और लिखिए, क बच्चे अपने देश की खुशहाली के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उत्तर बच्चे देश के भावी कंधार हैं, वे देश का भविष्य हैं, आते देश की उन्नति प्रगति और विकास में उनका योगदान भी अपेक्षित है, बच्चे देश की खुशहाली के लिए अनेक प्रयास कर सकते हैं और कुछ नहीं तो वे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं, गरीब बच्चों को अपने खिलौने दे सकते हैं जिससे वे अपने ही खेला करते, इससे गरीब बच्चों के चेहरों पर न केवल खुशी की लहर आ जाएगी बल्कि वे भी अपना बचपन अच्छे प्रकार से बच्चों के साथ ही बिता सकेंगे। ख यह एक प्रार्थना गीत है, इसी प्रकार का एक अन्य प्रार्थना गीत लिखिए और प्रार्थना सभा में सुनाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रार्थना, हम बच्चे नादान हैं, करते तेरा ध्यान है, तू सर्वदा महान है, देता सबको ज्ञान है, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है दीप्यमान। आगे नए शब्द बनाएं, जैसे इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, कुछ शब्द जो यहाँ पर बनाए हुए, यहाँ है ईश्वर मैंने लिखा है, नश्वर बच्चे सच्चे, तुम ही यहाँ मैंने बनाया है कुम्हार,
बंधु का बनाया है अंधा, जो नया शब्द इनमें से बनता है। बाकी ये भी मैंने आंसर लिख दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।